बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बताऊँ आप सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अभी उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो अभी आज का जो दोस्तों इंटरव्यू है ना, ये इधर स्क्रैप की दुकान पे मैं आया था। एक करते हैं स्क्रैप का आदमी जो काम करते हैं, उनकी क्या मतलब बचत होती है महीने की, क्या तरीका कार है उनका, वो उनका जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन लेके देते हैं। मेरे साथ एक इंडिया के भाई हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उनसे पूछते हैं। फिर मेरे साथ रहें, आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बशीर। बशीर है, ओके। आप इधर बहरीन में कितना साल से? बहरीन में 31 ईयर हो गया। 31 ईयर हो गया। तो आप इधर क्या काम करते हैं? इधर पहले हमारा टायर का बिजनेस था, वो अभी हमारा वो दुकान बंद हो गया था, इसलिए हम लोग दूसरा नया बिजनेस शुरू किया था, ये स्क्रैप का। वो भी 20 साल से मैं कर रहा है, और अभी नया दुकान पकड़ा था, इसमें अभी शुरू करेगा, लाइसेंस बनाया था। ठीक है, तो भाई अभी जो स्क्रैप का काम करते हैं आप, इसका तरीका कार क्या है, समझो कि कैसे बनाना शुरू, ये काम शुरू कैसे करेंगे? तरीका मतलब अभी हम दुकान पकड़ा, इसमें लाइसेंस रखा जी, तो लाइसेंस रखेगा तो दुकान में सामान आ जाएगा, और हम लोग बाहर जाके भी सामान पकड़ता था। सही है, बाहर के कंपनी से आप स्टील पकड़ते हैं? हर चीज़ पकड़ता है, ये मेटल आइटम्स और प्लास्टिक वगैरह सब पकड़ता है। ठीक हो गया, तो अगर समझे ये काम आप करते हैं, एक महीना में आपको इसमें क्या बचत आ जाएगा? महीने में ऐसा बराबर हिसाब नहीं है, कभी मिलता है 400 मिलता है, कभी महीने में ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, बिजनेस है, जो सामान मिलता है ऐसे ही। ठीक हो गया, तो इसका ये दुकान में अगर आदमी नया आदमी आएगा तो उसका एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, कैसा है? एक्सपीरियंस तो हमको बना के दे सकता है, 1-2 महीने के अंदर उसका एक्सपीरियंस करके दे सकता है। सही है, समझे, अगर नया आदमी आएगा पहले आपके पास आके सीखेगा, उसके बाद में फिर दुकान में बैठा सकता है। ठीक हो गया, अगर समझो कि दुकान हमने बना लिया इधर, तो समझो हमको कस्टमर जो मिलेगा वो क्या तरीका का है, कैसा मिलेगा कस्टमर? अगर बाहर जाएगा तो कैसा मिलेगा, इधर कैसा मिलेगा, क्या तरीका का है? इधर लेके आएगा तो हम लोग वजन करके रोज का हिसाब बराबर डाल के देता है, यानी स्टील का प्राइस, ब्रास का, ऐसा सामान का पूरा पैसा बराबर करके देता है। बाहर जाता है तो कंपनी में जाएगा, कोटेशन देगा, कोटेशन पास होगा, हम लोग सामान इधर लेके आएगा, भेजेगा। सही है, और बाद में आप बेचता किधर है ये? हम लोग उधर यार्ड में, अलवा यार्ड है ना, उधर बेचता है, पाकिस्तानी लोग का कंपनी है, इंडियन का कंपनी है, उधर ही देता है। सही है, तो जो अभी आपने ये दुकान बनाया, आपको एडवांस में वो लोग पैसा सामान खरीदने के लिए देंगे नहीं, आपको अपने पास इतना होना चाहिए? नहीं, अभी ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी ये बिजनेस थोड़ा डाउन है, इसलिए एडवांस नहीं देता, हम लोग को पैसा इकट्ठा करके सामान पकड़ के उधर देगा, उसी टाइम पैसा देता है वो लोग। सही है, उधर से पैसा जब आप सामान देंगे तो कैश वही सेम टाइम में मिल जाएगा नहीं? सेम टाइम में मिलेगा कैश। सही हो गया, यानी ये बिजनेस आप क्या कहेंगे, अगर दूसरा नया आने वाला आदमी है उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे, आना चाहिए? वो भी थोड़ा ताकत वाला है तो कर सकता है, और थोड़ा माइंड भी मांगता है इसको, यानी ऐसा सामान गिनती करके नहीं पकड़ता है, अंदाज में पकड़ता है। सही हो गया भाई, अगर आप समझे कि इधर कोई आदमी आके सामान इधर ये दुकान में देना, आप कौन सा जगह में हैं, और अगर इधर आके सामान देगा तो क्या तरीका है? ऐसा भी इधर कस्टमर लेके आएगा तो भी पकड़ेगा, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसमें रखता है, कोई आदमी का सामान है कंपनी में, हम उनको कॉन्टैक्ट करके मैं उधर जाके भी पकड़ेगा। ओके, आपका कॉन्टैक्ट नंबर 3396012323। ओके, चलो ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, ये था आज का इंटरव्यू, भाई ने सारे सवालों का जवाब दिया जो आपको मतलब ज़रूरत थी, मुझे पता था जो ज़रूरी सवाल थे वो मैंने पूछ लिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।